दुनिया भर के देशों में नए कोरोना स्ट्रेन के बच्चों में प्रभाव को लेकर चिंता बनी हुई है। इसी के मद्देनजर कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन के प्रयास भी जारी है। ब्रिटेन ने बच्चों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। ब्रिटिश सरकार ने 15 से 12 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन की दवा नियामक ने कहा है कि कड़ी समीक्षा के बाद यह पाया गया है कि फाइजर बायोटेक की वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। यूरोपीय संघ और अमेरिका में भी इस तरह की समीक्षा की जा चुकी है। ब्रिटेन की मेडिसिन एवं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी की प्रमुख जून रेन ने कहा है कि हमने बहुत ही सावधानी से 12 से 15 साल के बच्चों के क्लिनिकल ट्रायल का अध्ययन किया है। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। इस वैक्सीन के जोखिम से कहीं ज्यादा फायदे हैं। इससे पहले यूरोप में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। बीते 28 मई को यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी कि EMA ने इस संबंध में घोषणा की थी। यूरोपीय संघ की दवा नियामक संस्था ने कहा था कि इस वैक्सीन का बच्चों पर कोई भी गंभीर दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है। इस वैक्सीन की अच्छे ढंग से समीक्षा की गई है। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस वैक्सीन का बच्चों पर भी गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। EMA की वैक्सीन रणनीति के प्रमुख मार्को कावालेरी ने कहा है कि ट्रायल में बच्चों पर इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे हैं, इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं है। फाइजर और बायोटेक ने मार्च में 12 से 15 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किया था। यूरोपीय मेडिकल संघ और ब्रिटेन की दवा नियामक संस्था ने इसी ट्रायल के आंकड़े की समीक्षा की है। अब तक कई देश अपने यहाँ बच्चों को वैक्सीन लगवाने की मंजूरी दे चुके हैं। अमेरिका के बाद जर्मनी, कनाडा, जापान और स्पेन में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन की मंजूरी दी जा चुकी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।